हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपेयर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं अध्याय तीन, जो कि गणित कक्षा 10 का पाठ तीन है, अध्याय तीन है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले से ही लिख लिया है। सवाल नंबर 4 क्या है, इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। समीकरण x बटा 10 प्लस y बटा 5 माइनस 1 बराबर 0 और x बटा 8 प्लस y बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लैम्डा का मान भी ज्ञात कीजिए यदि y बराबर लैम्डा x प्लस 5 है तो। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक दो समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण हमारा x बटा 10 प्लस y बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 है, और दूसरा वाला हमारा ये एक समीकरण एक है हमारा, ये हमारा एक समीकरण है, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है, ठीक। दूसरा वाला समीकरण x बटा 8 प्लस y बटे 8 बराबर 6 बराबर कितना है, 15। अब दोनों का दोस्तों क्या है कि विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यह चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। अब इसे हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसमें एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, दोनों ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद हम किस में रखेंगे दोस्तों, इसमें रखेंगे। ये हमारा जो वाई बराबर दिया गया है लैम्डा एक्स प्लस 5, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख के हम किसकी इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमें निकालना है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। एक्स के बटे हमारा 10 है प्लस y के बटे 5 माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा क्या है, समीकरण एक है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा है x के बटे 8 प्लस y के बटे 6 बराबर क्या है हमारा, 15। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों समीकरण क्या है हमारा, एक है ये रहा है, एक दूसरा वाला ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे दोनों समीकरण भिन्न में दिए गए हैं, तो हम पहले सबसे पहले समीकरण एक को और समीकरण दोनों को एक बारी बारी से क्या करेंगे, सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण सबसे पहले एक से, ठीक। यहां पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक को पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। यहां पे लिखेंगे x के बटे 10 प्लस y के बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सरल करेंगे, ठीक है। तो चलिए 10 का और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा हमारा। 5 का एक्स में गुणा करेंगे, तिरय गुणा करेंगे यहाँ पे, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x, बीच में प्लस है तो प्लस। 10 का वाई में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। क्या है यहाँ, क्या है माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5x प्लस 10y के बटे कितना है हमारा, 50 है। इस माइनस 1 को बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5x प्लस 10y बराबर इस 50 का 1 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर
तीन, समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं। ठीक, अब उसी तरह से हम समीकरण, ये हमारा रहा समीकरण, ये दूसरे को भी क्या कर लेंगे, हम समीकरण दूसरे को भी सरल कर लेते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर दो से, समीकरण दो को भी सेम इसी की तरह ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो हमारा ये रहा, x के बटे आठ प्लस y के बटे छ, ठीक है, बराबर पंद्रह। ठीक, इसे भी सरल कर लेते हैं, आठ और छ का एलसीएम ले लेंगे, आठ छ के कितना हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा, उसके बाद बटे छ का x में गुणा करेंगे, त्रिज्य गुणा करेंगे, छ एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, आठ का y में गुणा करेंगे तो आठ वाई हो जाएगा, बराबर पंद्रह। अब यहाँ पे इसे भी कितना हमारे पास हो जाएगा, छ एक्स प्लस आठ वाई बराबर, अब अड़तालीस में क्या करेंगे, पंद्रह का गुणा कर देंगे। ठीक है, पाँच अठे चालीस का जीरो, शेष चार बचा, पांचों के बीस चार चौबीस, एक एक अट्ठे आठ, एक चौके चार, यहाँ पे कितना हो गया, जीरो आठ चार बारह दो, शेष एक बचा, चार दो छः और एक सात सौ बीस आया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सात सौ बीस इसका गुणा हुआ है इसमें। ठीक, अड़तालीस का पंद्रह में गुणा हो तो सात सौ बीस आया। ये हमारा रफ वर्क है, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अब इसे भी हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर, समीकरण नंबर चार नाम दे दिए। अब यहाँ पे समीकरण तीन और समीकरण चार को हम ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे पांच एक्स है, यहाँ पे छ एक्स है, यहाँ पे दस वाई है, यहाँ पे आठ वाई है, यहाँ पे पचास और यहाँ पे सात सौ बीस है। तो यहाँ पे क्यों ना हम दोस्तों समीकरण एक में, इसमें समीकरण एक में क्या करें, समीकरण x के वैल्यू को क्या विलोपित करने के लिए हमें समीकरण एक में छ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और सॉरी दोस्तों समीकरण तीन में छ से गुणा कर देते हैं इसमें, और समीकरण चार में किससे गुणा कर देते हैं, पांच से। ठीक, तो क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, अर्थात विलोपित कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यही करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण तीन में छः तथा समीकरण चार में पांच से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण तीन में छः से सब, समीकरण चार में पांच से गुणा करने पर। चलिए इसमें हम छह से गुणा करते हैं, समीकरण नंबर एक में छ पंचे तीस एक्स, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, छ दहा में साठ वाई, उसके बाद बराबर छ पंचे तीस, एक जीरो तीन सौ। ठीक, समीकरण नंबर हमारा कितना बन गया, पांच। अब यहाँ पे अब पांच का, पांच का किसमें गुणा करेंगे, समीकरण नंबर चार में। ठीक है, यहाँ पे चलिए गुणा कर लेते हैं, पांच छक्के तीस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, पांच अठे चालीस वाई बराबर, पांच शून्य शून्य,
5 × 10 = 0, शेष 1, 5 × 7 = 35 और 1 = 3600। ये हमारा क्या क्या हो गया, समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण क्या करेंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो हम समीकरण का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जिससे कि प्लस माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 30x कैंसिल कर देते हैं, 60y है यहाँ पे, माइनस 40y है, 60y में से 40y को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20y यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना है हमारा 3600, माइनस 3600 में से निकाल देंगे कितना हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा हमारा 3300, यहाँ 600 में से 300 निकाल देंगे तो कितना 3300 हो जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3300 के बटे 20। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कटा देंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 से कट गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -165। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, y की वैल्यू प्राप्त हुई। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू प्राप्त हुई तो समीकरण किसी में भी y की वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y की वैल्यू समीकरण किसी में रख के, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y की वैल्यू समीकरण 1 में रख के हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 1 हमने कहां माना था, यहां पे। ठीक है, ये हमारा समीकरण, इसे सरल करने के बाद हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया, ये प्राप्त किया है। ठीक है, तो समीकरण हमने इसका 3 नाम दिया है, तो 3 रख लेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, 5x + 10y = 50। ठीक है, इसमें रखेंगे y बराबर -165 रखने पर, ऐसा लिख सकते हैं, इस y की वैल्यू क्या है, -165, इसमें y की जगह रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं 5x + 10 × -165, इस y की जगह ये रखेंगे। ठीक है, बराबर 50। चलिए आगे, अब यहाँ पे 5x + अब यहाँ पे 10 का -165 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस माइनस का गुणा हो जाएगा बाहर, -165 × 0, 10 का गुणा करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा हमके हम। ठीक है, 1650, उसके बाद बराबर 50। फिर आगे देखते हैं, 5x है बराबर 50, इस -1650 को इस तरफ लेकर जाएंगे बराबर के तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1650। नेक्स्ट चलते हैं, 5x बराबर, अब इसमें जोड़ देंगे 50 50, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब 1700 हो जाएगा। ठीक है, 1700 हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 1700/5 हो जाएगा, ये हमारा गुणे के रूप में, बराबर के इस तरफ जाएगा गुणे के रूप में हो जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, उसके बाद 5 × 4 = 20, फिर 0 = 5, 0 = 0।
ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 5, 334 हमें कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 340, ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 340। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी सवाल में क्या दिया गया है दोस्तों, सवाल में दिया गया है कि समीकरण x/10 + y/5 - 1 = 0 और उसके बाद x/8 + y/6 = 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। अभी तो हमने इसका क्या है कि इसका और इसका क्या निकाला, हल निकाला। इसके बाद लैम्डा का मान भी ज्ञात कीजिए, यदि y बराबर लैम्डा x + 5 है तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका भी मान निकलेंगे। यहाँ लैम्डा का भी मान निकालना है हमको, तो यहाँ पे चलिए उसका भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि y बराबर लैम्डा x + 5 है तो लैम्डा बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर लैम्डा x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद x की वैल्यू रख देंगे, उसको लैम्डा निकल जाएगा। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ पे, -165, कितना, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी है, -165, और x की वैल्यू हमारा कौन सा है, ये रहा 340। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यू -165 = λ इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला, 340 निकाला, 340 + 5, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे -165 = कितना हो जाएगा, 340 λ हो जाएगा, 340 λ + 5। अब यहाँ पे देखेंगे -165 ये हमारा +5 = कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 340 λ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे -165 और -5 है, तो -5 प्लस होता है हम जानते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 170 = 340 λ, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, -170 ये हमारा 340 λ के गुणे के रूप में, तो बराबर किस तरह हो जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है, 340 = λ, ठीक है। अब इसे हम चाहे तो कटा सकते हैं, कटाने के बाद सीधा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए घटा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 17 × 17 = 34, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा बराबर ये हमारा माइनस है तो माइनस, ऊपर 1 है तो 1, नीचे 2 आया तो 2, लैम्डा का मान हमारा कितना आ गया, -1/2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको दोस्तों अच्छा लगता है, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, अगर इस सवाल को समझने में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।